जय हिंद नमस्कार दोस्तों मैं आशुतोष राय आप सभी का इस छोटे से, से सेशन में स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एक नंबर का जो है प्रयास करूंगा कि आपके पेपर में अलग अलग एग्जाम में जो भी आते हैं और आपके सीई के एग्जाम में और आप अभी एच एस का एग्जाम देने जाएंगे उसमें भी आपके एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप सभी लोग जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा कि महत्वपूर्ण आपके लिए छोटा सा से सेशन है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन जरूर सही करा देता है तो आइए देखते हैं हम इसमें कि क्या हम आपको बताने वाले हैं देखिए इसमें जो है हम सभी लोग ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कुछ जो आपके प्रमुख पदाधिकारी लोग हैं उनकी जो है एज पूछ ली जाती है कि उनका जो कार्यकाल होता है टर्म्स होता है वो कितने समय का होता है और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको समझने में उसको बताने में और आपके ऑप्शंस के थ्रू आप गलत कर हैं तो इसको जो है हम चाहते हैं कि इस छोटे से सेशन में हम क्या करें एक बार क्लियर कर लें एक बार गो थ्रू हो जाए कम से कम आपके रिवीजन के तौर पे इसे आप लोग देख लीजिएगा एक जगह हम इसे बताने का प्रयास करेंगे ठीक है तो कुछ प्रमुख पदाधि पदाधिकारियों के लिए आयु की बात करें तो सबसे पहले तो हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं राष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो एज होता है वो आपका मिनिमम एज होता है आपका पैंतीस वर्ष कितना एज होना चाहिए पैंतीस वर्ष जो है आपका मिनिमम एज होना चाहिए तभी आप चुनाव में अपनी भागीदारीता को निर्धारित कर सकते हैं तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं राज्यपाल के लिए कम से कम जो है इसके लिए भी आपको 35 वर्ष का एज होना चाहिए इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो सेवानिवृत्ति आयु होती है न्यायाधीशों की जो जज होते हैं उनके सेवानिवृत्ति आयु मतलब जो रिटायरमेंट होता है उनका पैंसठ वर्ष के एज में होता है कितने वर्ष में पैंसठ वर्ष में वो जो है एक बार न्यायाधीश बनते हैं तो उनका रिटायरमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की बात करें तो यहाँ पे आपका

से हैं तो उनका मिनिमम एज जो है वर्ष होता है तो मिनिमम और मैक्सिमम को ध्यान में रखिएगा वर्ष भी जो है प्रधानमंत्री के लिए एज होना होता है मतदाता की कम से कम आयु जो मतदान करते हैं जो आपकी क्या करते हैं आपका वोटर लिस्ट में आपका जो नाम आता है या वोट देने के आप काबिल होते हैं तब जब आपकी एज अठारह वर्ष की हो जाती है नेक्स्ट आपका विवाह के लिए लड़के के लिए कम से कम आयु जो है वो आपका आ, कितना होना चाहिए तो 21 वर्ष होना चाहिए ठीक है तो यदि आपको शादी करनी है विवाह करना है तो आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए कानून रूप से यदि नहीं होता है तो आपको जेल में डाला जा सकता है विवाह के लिए लड़की के लिए कम से कम आयु कितनी हो सकती है अठारह वर्ष की कितनी वर्ष होती है अट्ठारह वर्ष और इस पर अभी चर्चा का विषय भी है इसको इस एज को भी बढ़ाए जाने घटाए जाने की बात की जा रही है ठीक है चलिए इसके बाद जो है यूपीएससी के सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो पैंसठ वर्ष की आयु कितने वर्ष की आयु पैंसठ वर्ष की आयु तो यूपीएससी से लिया जाता है कि यूपीएससी में जो सदस्य होते हैं अध्यक्ष और सदस्य उनकी जो आपकी आयु है एज है वो कितने वर्ष होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो पैंसठ वर्ष की आयु या तो उनका पैंसठ वर्ष की आयु हो जाए या फिर उनके जो है छह वर्ष पूरा हो जाए तो जो पहले हो जाए या तो छह वर्ष पहले पूरा हो जाए या पैंसठ साल पहले पूरा हो जाए दोनों में से जो आपका पूरा हो जाए वो आपका तब वो आपका रिटायर हो जाएगा और यदि हम बात करें एस पी स्टेट पी की जो स्टेट में पी है पब्लिक सर्विस कमीशन है इसमें जो कार्यकाल है इसका जो कार्यकाल है वो बासठ वर्ष का कर दिया कितना बासठ वर्ष का जो है आपका कर दिया गया है तो कर दिया गया है आप यह कह सकते हैं बासठ वर्ष की आयु में ये लोग जो है रिटायरमेंट लेते हैं या फिर छह वर्ष जो भी पहले हो इसमें इनका रिटायरमेंट तो कुछ ये जो है प्रमुख जो है आपके पदाधिकारी लोग थे इनके लिए जो है मैंने आपको ये छोटे से सेशन से को लेकर आया था तो आप सभी लोग ये जो है सेशन को लाइक करिएगा और अपना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ठीक है एक जगह सारे को नोट कर लीजिएगा तो इससे आपका क्या होगा पूरा रिवीजन हो जाएगा तो चलिए बच्चों ऐसे ही छोटे छोटे सेशन में हम और भी कुछ चीज़ों को बताएंगे आगे भी तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जो है आपके इस हरियाणा चैनल पर स्वागत है मेरी क्लास डेली साढ़े नौ बजे होती है रात साढ़े नौ बजे मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी साढ़े नौ बजे आप सभी लोग जो है आइए राज्य व्यवस्था के क्लास में हम सभी लोग जुड़ते हैं टॉपिक वाइज सेशन होता है जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जय हिंद